गाइस ये देखो यार, मैं शिनचैन का पीछा कर रहा हूँ यार वापस से। पता नहीं यार ये फिर से रात को घर से भाग के कहाँ जा रहा है। ये कोई अच्छी जगह तो नहीं लग रही गाइस। देखो तो सरी कैसी लैब जैसी लग रही है। अरे शिनचैन वेलकम वेलकम। तो यार मैं आ गया गाइस। ये देखो यार, ये ना सिक्योरिटी गार्ड ने शिनचैन को वेलकम किया, मुझे तो वेलकम नहीं करेगा, मुझे यहाँ साइड से अंदर जाना पड़ेगा। किसी को भी यहाँ पे अंदर अलाउड नहीं है शिनचैन तेरे अलावा। तो हाँ वो तो मुझे पता है गाइस। यार देखो ये शिनचैन तो कैसे भग के अंदर चला गया यार, मुझे यार दीवार के ऊपर से कूद के जाना पड़ेगा। अरे शिनचैन आ गया क्या? तो हाँ आ गया। अरे रुक जाओ, अभी तेरा नंबर भी लगेगा। अरे गाइस ये किस चीज में नंबर लगवाने की बात कर रहे? ओह माय गॉड गाइस, व्हाट इज दिस यार, ये क्या है? अरे गाइस यार ये कौन से तरह के हल्क के नए सूट है यार, ये तो मैंने आज तक देखे ही नहीं है यार। ये तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एकदम खतरनाक हल्क का सूट लग रहा है। और तो और नीचे भी देखो यार, यहाँ पे ये किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। यहाँ पे ये जो बड़ा वाला हल्क का सूट है उसका यार छोटा वाला सूट भी है, और यार यहाँ पे दद्दू हल्क के भी सूट है। और यार ये कौन है यार यहाँ पे? इसके साथ शिनचैन क्या बात कर रहा है और ये अंदर क्या हो रहा है यार? अरे गाइस ये तो देखो यार, यहाँ पे देख नॉर्मल बेबी है, इसके ऊपर पता नहीं ये कौन सी तरह का रेडिएशन लगा रहे। गाइस ये पता नहीं यार शिनचैन क्या क्या करता रहता है। रुको यार यहाँ पे छुप के देखने दो। अरे शिनचैन वेलकम 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 टू माय लैब, मेरे सीक्रेट फॉर्मूला ने देखो बनाया है एक हल्क का नया सूट, कितना ज्यादा तगड़ा है। और यार ये एक जायंट हल्क का सूट भी यहाँ पे अवेलेबल है। मैं देखो यार यहाँ पे छोटे बच्चों को मेरी स्पेशल रेडिएशन देके उनको एक स्ट्रॉन्ग हल्क में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यार मुझे भी एक स्ट्रॉन्ग हल्क में कन्वर्ट कर दो। अरे हाँ शिनचैन डोंट वरी, तुझे भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा एक जायंट हल्क में। व्हाट गाइस, शिनचैन देखो यार यहाँ पे कोई इल्लीगल एक्सपेरिमेंट में पार्ट लेने आया जिससे वो एक ऐसे खतरनाक जायंट हल्क में बन जाए। पर यार मैं शिनचैन को ब्लेम नहीं कर सकता, ये वाला हल्का सूट लग रहा भी कितना ज्यादा तगड़ा है। तो यार देखो इसका ट्रांसफॉर्मेशन तो पूरा हो गया। और ये गाइस ये देखो यार, ये जो है ना हल्का मैड साइंटिस्ट है, इसने एक बेबी को तो इतने बड़े जायंट हल्क में कन्वर्ट कर दिया इतनी जल्दी। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन तो पूरा हो चुका है, थैंक यू मैड साइंटिस्ट हल्क मुझे इतनी खतरनाक शक्तियाँ देने के लिए। हा 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 हा। मेरी बाली है अब तो, मेरी बाली है। अरे हाँ जाओ, अब तुम्हारी बारी है। गाइस ये देखो यार, ये नया बच्चा है, ये अंदर जा रहा है। और यार ये क्या होगा? गाइस ये देखो यार, इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करने चालू कर दिए। मुझे थोड़ा सा छुप के रहना पड़ेगा, कोई मुझे देख ना ले। पर गाइस यार ये शिनचैन ऐसे लोगों के कांटेक्ट लाता कहाँ से जो उसको इतने बड़े बड़े खतरनाक हल्क बनाने वाले मिल जाते? ये सूट्स तो देखो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो यार मेरी बारी कितनी देर लगेगी? अरे बस इसका ट्रांसफॉर्मेशन होने ही वाला है। अरे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया। अरे पल यार, मिलकर तो एक जायंट हल्क में कन्वर्ट होना था, तुमने तो मुझे एक छोटे हल्क में कन्वर्ट किया। अरे अच्छा ऐसी बात है क्या? तो अंदर जाके थोड़ी देर और खड़े हो जाओ इसके अंदर। व्हाट गाइस यार, ये वाले रेडिएशन चेंबर में जाके है ना ये अपने आप को एक जायंट हल्क में भी कन्वर्ट कर सकता है। ही ही ही, मजा आएगा, मैं तो एक जायंट हल्क में कन्वर्ट हो जाऊंगा। व्हाट गाइस, ये क्या बोल रहा है यार, मैं तो नहीं मानता, ये ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। एक सेकंड, ये तीसरा जायंट हल्क का सूट कहाँ से आ गया, ये सेम वाला? ही ही ही, मैं तो एक जायंट हल्क में फाइनली कन्वर्ट हो गया। ये वाले हल्क सूट की पावर्स तो देखो कितनी ज्यादा खतरनाक है। अरे गाइस यार देखो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि यार ये एक जायंट हल्क सूट में कन्वर्ट हो सकता है। पर ये देखो यार, मेरी आंखों के सामने छोटा सा बेबी था वो इतने ज्यादा खतरनाक हल्क जायंट में कन्वर्ट हो गया। और यार ये वाला सूट तो मैंने आज से पहले कभी देखा नहीं, और मुझे तो लगा था मैंने सारे तरह के हल्क सूट देख लिए। अरे शिनचैन ये लो यार, तुम्हारी बारी आ गई, क्या तुम ये खतरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी हो? क्या ये एक्सपेरिमेंट खतरनाक है? हाँ मैं तो पैदा ही तैयार हुआ था, मैं तो बहुत ज्यादा है ना साहसी हूँ। अरे हाँ शिनचैन, मुझे पता है तू बहुत ज्यादा साहसी है, पर यार तू ये फालतू में रिस्क क्यों ले रहा है? तो यार मुझे तो स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क बनना है, अब मेरा सपना पूरा होने वाला है। पर यार मुझे स्लोली स्लोली अपग्रेड करना है, पहले मेरे को एक शिनचैन हल्क में कन्वर्ट होना है, फिर मुझे छोटा वाला हल्क में कन्वर्ट होना है, फिर मैं बड़े वाले हल्क में कन्वर्ट होऊंगा जिससे मुझे सारी पावर्स देखनी पड़े। अच्छा शिनचैन ऐसी बात है क्या? तो यार तू अंदर जाके खड़ा हो, मैं थोड़ा सा रिएक्शन को एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, शिनचैन को थोड़ा स्लोली अपडेट होना है, इसके लिए मुझे कंप्यूटर में थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे देखो थोड़ी से बस रिएक्शन की पावर को कम करना है जिससे शिनचैन स्लोली अपग्रेड हो। ये देखो मैंने कर दिया है रिएक्शन चालू। व्हाट गाइस, ये देखो शिनचैन ने क्या बोला। देखो यार रिएक्शन चालू हो गया। शिनचैन तैयार है ना? हाँ मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, जल्दी जल्दी से मुझे ट्रांसफॉर्म कर दो। गाइस यार ऐसा कैसे कर सकता है यार शिनचैन ये? ये देखो यार इतनी देर से रिएक्शन चल रहा है, अभी यार रात को हम लोग आए थे, यहाँ पे सुबह होने वाली है। यार मैं क्या करूँ यार, शिनचैन को बचाऊँ क्या? पर गाइस बचाने की क्या जरूरत है, वो तो खुद की इच्छा से वहाँ पे गया है। अरे गाइस देखो वहाँ पे तो लगता है रिएक्शन पूरा हो गया। अरे देखो शिनचैन तो चेंज हो गया है। देखो यार मेरी तो है ना पावर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, मैं भी एक शिनचैन हल्क में कन्वर्ट हो गया। पर यार अभी तो रिएक्शन पूरा नहीं हुआ ना, अभी तो मैं ये वाले नए वाले हल्क सूट में कन्वर्ट होऊंगा। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला, रिएक्शन चेंबर में जाओ और वापस खड़े हो जाओ। अरे गाइस ये शिनचैन तो कितना लकी यार,
को इतने खतरनाक हल्क में अपग्रेड होने का मौका मिल रहा है। गाइस तुम्हें क्या लगता है यार, मुझे ऐसे हल्क में अपग्रेड होने का मौका मिलेगा क्या यार? मुझे भी ऐसे हल्क में अपग्रेड होना है। वहाँ पे कौन है? सामने आओ अगर कोई छुपा हुआ है तो। अरे नहीं गाइस यार, मैं गलती से खड़ा हो गया था, मुझे मेरी जगह चेंज करनी पड़ेगी छुप के। रुक जाओ शिनचैन, मैं वहाँ पे चेक करके आता हूँ, शायद से कोई घुस बैठ या घुस चुका है। गाइस यार यहाँ पे छुप जाता हूँ, रुको मैं। हाँ देख क्या हो, कहीं पेंकी भैया ने आ गया? मैंने उनको बताया नहीं था कि मैं उनसे भी ज्यादा स्ट्रांग बनने वाला हूँ। डोंट वरी शिनचैन, मैंने किसी को इस गाड़ी के पीछे देखा था, उसको देख कर आता हूँ यहाँ पे है क्या वो। नहीं नहीं यहाँ पे गाड़ी के पीछे तो कोई भी नहीं है, शायद से मुझे कोई छाया दिखी होगी। यार मेरा देखो ट्रांसफॉर्मेशन भी पूरा होने वाला है। हाँ शिनचैन पूरा हो ही गया है ऑलमोस्ट, कांग्रेचुलेशंस, वेरी सून। गाइस आई थिंक देखो शिनचैन का तो रिएक्शन पूरा हो गया यार। हाँ 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 गाइस देखो यार, ये बन चुका इतना खतरनाक नए वाले हल्क में। यार इसकी पावर्स तो कितनी ज्यादा खतरनाक है। अरे हाँ शिनचैन, तुम इसकी पावर्स को टेस्ट करके आओ, फिर मैं तुम्हें जायंट हल्क में कन्वर्ट कर दूंगा नए वाले। गाइस ये देखो तो सर, ओ माय गॉड यार, इसने तो अपनी मसल्स का इस्तेमाल किया और देखो ये तो चल पड़ा शिनचैन। यार देखो कितना ज्यादा मजा आ रहा है, ये वाला हल्क का सूट तो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि मेरे को बल्ले बल्ले हो रही है। और अभी तो यार मैंने मेरी सारी पावर्स का इस्तेमाल करना चालू भी नहीं किया है, जब सोचा यार मैं एक बड़ा वाला हल्क बन जाऊंगा तब तो मैं क्या ही कर दूंगा, सब लोगों को है ना चिट्टे पट्टे कर दूंगा। अरे हाँ शिनचैन यार, तू बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो हो गया। गाइस इसको देखो तो सर यार, इसके बाल कितने ज्यादा खतरनाक है, इसकी दाढ़ी भी कितनी ज्यादा खतरनाक है, और इसके ऊपर यार कितने सारे स्कल्स लगे हुए, एकदम डेंजरस लग रहा है, और उसके पास इतना खतरनाक आर्मर भी है। तो यार मैं तैयार हूँ एक नए हल्क में अपग्रेड होने के लिए, मैं जल्दी जल्दी से स्ट्रांग वाले जायंट हल्क में अपग्रेड कर दो। आओ आओ शिनचैन हमारे पास आओ। गाइस ये देखो शिनचैन तो तीसरी बार ही रिएक्शन चेम्बर में जा रहा है, जिससे यार वो अपग्रेड हो जाएगा। हाँ यार मैं तो इसमें फटाफट से अपग्रेड हो जाऊंगा, जल्दी से जाता हूँ और रिएक्शन को चालू कर दो। गाइस ये देखो यार फिर से रिएक्शन चालू हो गया, पर यार ये वाला बार तो जो रिएक्शन हो रहा है ज्यादा बड़ा हो रहा है। देखो यार इसमें कितना ज्यादा धुआं आ रहा है, मुझे थोड़ा सा पास जाके देखना पड़ेगा यार, इसके बिना तो मेरा मन नहीं मानेगा यार यहाँ पे जाके देखने के लिए। ओ यार देखो बिकते मेरी पावर्स बढ़ती हुई महसूस हो रही है। अरे शिनचैन ये वाला नया हल्का सूट है जो मेरी क्रिएशन है, इससे तुम्हें इतनी पावर्स मिल जाएगी तुम सोच भी नहीं पाओगे। चलो देखो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन अभी पूरा होने ही वाला है। अरे शिनचैन ये तुमने क्या करा, तुम तो कितनी जल्दी अपग्रेड हो गए। अरे हाँ गाइस ये देखो शिनचैन को। हाँ मैं तो कितना ज्यादा खतरनाक हो गया, देख यार मेरी असली पावर देखोगे, ये देखो यार मैं जोर से दहाड़ रहा हूँ। अरे गाइस ये देखो यार ये शिनचैन यहाँ पे दहाड़ रहा है, बाप रे यार ये गॉडज़िला के जैसी रोर कर रहा है, वो भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। मेरी पावर तो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, मुझे पता भी नहीं इनके साथ करना क्या है। ये देखो गाइस यार मैं तो है ना खुद के अंदर की सारी पावर को बाहर निकालूंगा, आजू बाजू इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। ओ माय गॉड गाइस ये देखो यार शिनचैन के पास तो इतनी खतरनाक पावर आ गई। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू शिनचैन, तुमने बहुत ही ज्यादा तगड़ा काम किया है। चलो यार वैसे भी तुमने ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन का इक्विपमेंट तो डिस्ट्रॉय कर ही दिया है, पर कोई बात नहीं, हमें और किसी को ट्रांसफॉर्म भी नहीं करना था, मैं भी घर जा रहा हूँ, तुम भी घर जा। मैं तो घर नहीं जाऊंगा, मैं तो लॉस सेंटर से बल्ले बल्ले करने घूमूंगा भैया। अरे गाइस देखो यार ये जो शिनचैन ने एक्सप्लोजन किया उसके कारण मैं उड़ के यार यहाँ पे है ना छत पर आ गया, पर लकीली यार मेरे पास एक पैराशूट था इसके लिए मैं बच गया। यार यहाँ पे छत पे से आ गया, मुझे नीचे जाना पड़ेगा, पर गाइस तुमने देखा यार शिनचैन की पावर, अरे बाप रे फिर से कूद गया। चलो यार लकीली एक और पैराशूट था गाइस मेरे पास, पर यार तुमने शिनचैन की पावर्स देखी गाइस, उसने क्या कर दिया यार, उसने इतना बड़ा एटॉमिक एक्सप्लोजन किया, वहां दूर पहाड़ पे खड़ा था और यार जो है ना शॉक वेव आई वो यहाँ तक आई थी, और यार वो जो हल्का साइंटिस्ट था उसको तो कुछ नहीं हुआ, पर यहाँ पे देखो यार ये जो है ना पूरा इसका सेटअप था वो पूरा खराब हो गया, पर साइंटिस्ट ने बोला उसको फर्क नहीं पड़ता। यार ये देखो इतना अच्छा कंप्यूटर था डिस्ट्रॉय हो गया, यार मैं इस पे गेम ही खेल लेता। ये देखो यार देख दद्दू हल्का सूट है, ये जो दो नए हल्क के सूट है ये यहाँ पर ऐसे डैमेज हुए हुए पड़े, ये दद्दू हल्का सूट भी है और ये दूसरा कंप्यूटर भी, और यार ये वाला देखो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चेम्बर था इसमें तो यार आग ही लग गई है। गाइस मैं कुछ करके क्या शायद इसको ठीक कर सकता हूँ, इसके अंदर जाके देखूँ क्या मैं। अरे बाबा जी नहीं नहीं अंदर नहीं आना था यार, इसमें तो आग लग गई है मेरे अंदर। अरे बहुत जोर से गाइस जल रहा है यार, पर गाइस देखो शिनचैन यार यहाँ से अपग्रेड हो गया तो शायद मैं भी अपग्रेड हो पाऊँ। यार मैं तो मेरा फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं लेकर आया, पर ना मैं इसके ऊपर डाल के ना थोड़ा सा कोशिश करता इसको वो करने की। आज तो मेरे एक्सपेरिमेंट का बहुत अच्छा दिन रहा, मैंने तीन तीन बच्चों को इतने स्ट्रांग हल्क में कन्वर्ट कर दिया। अरे ये क्या है, यहाँ पे कौन खड़ा है? अरे गाइस ये तो साइंटिस्ट हल्क यहाँ पे वापस आ गया। अरे फ्रैंकलिन तुम यहाँ पे क्यों आए हो, शिनचैन ने बोला था ना कि यहाँ पे उसका पीछा करते करते आना मत। अरे हाँ मुझे पता है शिनचैन ने ना बोला था, पर यार ये देखो मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ यार, तुमने इतना खतरनाक चीजें बनाई कैसे? अरे फ्रैंकलिन मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और स्मार्ट हूँ, मेरे लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का टनल बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा देखो बड़ी बात नहीं थी तो यार मुझे भी इससे ट्रांसफॉर्म कर दो ना। अच्छा तुम्हें भी ट्रांसफॉर्म होना है क्या? अरे हाँ होना है बिल्कुल होना है। तो यार तुम्हें मुझे $100 million लाके देने पड़ेंगे। क्या $100 million? यार इतने रुपए तो मेरे पास नहीं यार, शिनचैन ने भी $100 million दिए क्या?
अरे हाँ, शिनचैन ने भी 100 मिलियन डॉलर्स दिए, उसके पास तो बहुत पैसा है, वो फेमस है ना। अरे हाँ गाइस, बात सही है यार, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मुझे थोड़े कम पैसे में ट्रांसफर कर दो ना, मेरा ट्रांसफर मतलब अपग्रेड कर दो ना प्लीज। क्या फ्री में अपग्रेड करूँ? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। फ्री में अपग्रेड होने वाले मुझे लोग ही पसंद नहीं है। वो गाना नहीं सुना, पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है। अरे हाँ सुना है, सुना है, गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम मेरे से मुफ्त में अपग्रेड मांग रहे हो, उसके कारण मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया है। इधर आओ, मैं तुम्हें पहले थोड़ा सा जलाऊंगा, फिर तुम्हें मेरी लैब से बाहर फेंकूंगा। अरे नहीं अंकल जी, ऐसे मत करो यार प्लीज। अरे गाइस यार देखो कितना ज्यादा जल रहा है। हे, मजा आया, अब अपग्रेड होना है तुम्हें। अरे नहीं 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 होना अपग्रेड यार, माफ कर दो गाइस, ये देखो तो सर यार, ये तो कैसे इविल मॉन्स्टर की तरह मेरे को किया है। चलो अब यहाँ से बाहर भागो, वरना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं 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 प्लीज, फेंक दो, ढो मत यार मुझे। रुक जाओ, थोड़ी पिटाई तो लगानी पड़ेगी ना, वरना तुम मेरी लैब में फिर से आ जाओगे। अरे नहीं नहीं कभी नहीं आऊंगा यार, माफ कर दो यार, पूरा तोड़ दिया भाई का, इस देखो कैसे हिल हिल के जा रहा हूं मैं तो। चलो अब दफा हो जाओ यहां से, वरना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो अब यहां पे दिखे ना तो देख लेना, मैं कोई मेरा सारा इक्विपमेंट भी ठीक करना है हमारे नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अरे बाप रे यार, बहुत जोर से धुलाई करी गाइस, मुझे यहां से बाहर भागना ही पड़ेगा, वरना तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। पर गाइस देखो, मुझे पता यार कि मेरे को लाइफ में क्या करना है, मुझे वो कुछ नहीं चाहिए, बस वो नया वाला हल्का छोटा वाला सूट और जायंट सूट चाहिए। कुछ भी हो जाए यार, वो मैं सूट लेके रहूंगा गाइस, मैं ऐसे हार नहीं मारूंगा। भले इन लोगों ने मेरी बहुत धुलाई कर दी, देखो यार मेरी आंख भी सूज गई है, पर हार तो मैं मानने से रहा। देखो अभी शिनचैन ने भी खुद को अपग्रेड कर लिया, दूसरे दोनों बच्चों ने भी खुद को अपग्रेड कर लिया था, मुझे तो लगता है वो कीको और शिवा थे, पर यार मैं हार थोड़ी मानूंगा गाइस। लॉस एंटोस में बहुत अलग अलग तरीके अपग्रेड होने के। चलो यार मैं जल्दी से कुछ और करने चलता हूँ, मुझे पक्का पता यार कहीं ना कहीं और से तो मैं अपग्रेड हो ही जाऊंगा एक खतरनाक हल्क में। गाइस देखो यार, मैंने रात को तो बड़ी बड़ी बातें कर दी थी कि मुझे लॉस सैंटोस में कोई भी एक हल्क में अपग्रेड कर देगा, पर यार मैं तो बहुत देर से पूरी रात से इधर उधर भटक रहा हूँ, मुझे तो कोई नहीं मिल रहा जो मुझे एक हल्क में अपग्रेड कर पाए। मुझे पता नहीं यार मैं क्या करूंगा यार। चलो छोड़ो यार, इतनी धूप में कब से चल रहा हूँ यहाँ पे, पेड़ के नीचे जाके फोन निकाल के थोड़ा सा टिकटॉक ही देख लेता हूँ। ये देखो फोन निकाला, एक सेकंड यार, ये न्यूज की क्या खबर आ रही है? ताजा खबर, लॉस सैंटोस में हुआ पहली बार एक हल्का तद्दू हल्क को लेके जा रहा है लॉस सैंटोस पेनिटेंट्री में, उनको दी जाएगी वहाँ पे बहुत ज्यादा सालों की सजा। क्या किया है उन्हें पता नहीं, पर वो बोल रहे हैं वो बिन बुदेगार है। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। पर यार ताजा खबर में है कि उनको यार लॉस सैंटोस पुलिस ने किडनैप कर लिया है, किडनैप नहीं अरेस्ट कर लिया है, पर वो उनको छोड़ेंगे नहीं। ताजा खबर। अरे कोई तो मुझे बचा लो, मैं बेगुनाह हूँ। ओह माय गॉड गाइस, ये क्या न्यूज़ की खबर आ रही है यार? दद्दू हल्क जो मतलब यार सबसे बड़े वाले ग्रेट ग्रैंडफादर दद्दू हल्क है, उनको जेल में डाल दिया गया। भाई उनको जेल में क्यों डाला यार, वो तो कुछ खराब काम भी नहीं करते, बहुत ही ज्यादा अच्छे योडा हल्क है। आई थिंक यार मुझे उनको जाके ना प्रिजन में से बचाना चाहिए, शायद वो मुझे पावर्स भी दे दे और उनके लिए भी अच्छा काम हो जाएगा। पर गाइस यार देखो, मैं प्रिजन में ऐसे ही तो नॉर्मल कपड़े पहन के तो घूम नहीं सकता यार, मुझे चाहिए यार एक है ना प्रिजन की मिलिट्री की आउटफिट, मतलब प्रिजन के ऑफिसर की आउटफिट चाहिए, और मुझे पुलिस की गाड़ी चाहिए। अगर ये दो चीज मुझे मिल जाती है तो मैं यार जल्दी से प्रिजन में इजीली घुस सकता हूँ, और फिर मैं उनको बोल दूंगा कि है ना मैं उनको है ना दद्दू हल्क को एक प्रिजन में लेके जा रहा हूँ स्पेशली जो हल्क के लिए, और फिर ऐसा बोल के यार मैं उनको वहां से प्रिजन से बाहर निकाल सकता। अगर मैंने उनको प्रिजन से ऐसे बाहर निकाल दिया तो शायद यार वो मुझे एक अच्छी सी हल्की यूनिफॉर्म दे दे, यूनिफॉर्म क्या बोल रहा हूं यार, सूट दे दे। चलो गाइस यार सबसे पहले मुझे लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, पर यार पुलिस डिपार्टमेंट तो बहुत ज्यादा दूर है, मैं काम करता हूं अंकल की ऑडी चुरा लेता हूं। अरे बाबा मेरी ऑडी कहाँ चुरा रहा है, अभी तो शोरूम से उतरवाई है मैंने। अरे शोरूम से अभी उतरवाई तो ताकि बस इंश्योरेंस होगा ना, इंश्योरेंस क्लेम कर लेना। अरे हाँ बाबा आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो गाइस चलो यार फटाफट से चलता हूँ मैं। गाइस देखो यार मैं यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे तो पहुंच गया हूँ, अब यहाँ पे देखो पुलिस स्टेशन पे पुलिस की गाड़ियां तो बहुत ही ज्यादा पड़ी है, पर यार यहाँ पे मैं पुलिस वालों को यार मेरे को यूनिफॉर्म देने के लिए कैसे बोलूं। एक आइडिया है गाइस, मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं एक अंडरकवर पुलिस वाला और मैं ये वाली है ना गैंगस्टर की गाड़ी को जब्त करके लाया, फिर तो इनको मेरे पे भरोसा करना ही पड़ेगा। अरे वाह वाह सर जी, आपके पास तो कितनी अच्छी गाड़ी है। अरे सर जी क्या बोल रहे हो, और मैं तो ब्लेन काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट में से हूँ, देखो यार अपने लॉस सैंटोस में और यहाँ पे ब्लेन काउंटी है, मैं उसका शेरिफ हूँ। अरे क्या आप ब्लेन काउंटी के शेरिफ डिपार्टमेंट से सर, आप यहाँ पे कैसे आए? अरे यार मैं ना एक लॉस सैंटोस में सीक्रेट अंडरकवर ऑपरेशन करा था, मैंने एक गैंगस्टर की गाड़ी को जब्त किया, देखो यार नई नई ऑडी है। अरे सर क्या बताए, गैंगस्टर लोगों के पास बहुत पैसा होता है। अरे हाँ तुम्हारा नाम क्या है? अरे भैया देखो हमारी टी शर्ट में हमारा नाम लिखा हुआ, तो हमसे पूछ क्यों रहे हो? अच्छा रुको चेक करने दो, GRIMES ग्राइम्स। अच्छा अच्छा ग्राइम्स भैया देखो यार मुझे ना पुलिस की ना नई थोड़ी सी इक्विपमेंट चाहिए यार, मुझे एक दूसरे मिशन पे जाना है। अरे सर डोंट वरी, अंदर जाके ले लीजिए यार,
तो गाइस देखो यार यहाँ पे मुझे ना एंट्री तो मिल गई है, अब यार यहाँ पे मुझे अंदर बात करनी पड़ेगी। लॉसेंटोस पुलिस डिपार्टमेंट, हाउ मे आई हेल्प यू? अरे दीदी यार देखो यार सुनो यार देखो मेरी बाहर वो ग्राइम्स भैया से बात हो गई है, उनके लिए ना मुझे थोड़ी से पुलिस के नए कपड़े लेके जाने, उन्होंने अपनी पैंट गीली कर दी है। अरे क्या, वो भैया ने फिर से अपनी पैंट गीली कर दी? यार उनको कितनी बार बोले अभी पास में बाथरूम है। अब मैं क्या बोलूं यार, उनको बहुत ज्यादा शर्म आ रही है आपसे नए कपड़े मांगते हुए, मेरे को यार कपड़े दे दो ना यार। अरे मैं तो नहीं जा सकती, वहाँ पे देखो पीछे लॉकर है, वहाँ से ले लो। अच्छा अच्छा ठीक है यार ले लेता हूँ। गाइस देखो यार मैंने बाहर कुछ और स्टोरी बना दी, यहाँ पे कुछ और स्टोरी बना दी, अब यार यहाँ पे अंदर जाके कपड़े ले लेता हूँ। अरे यार ये दरवाजा तो लॉक्ड है यार, क्या करूँ गाइस यार, आर्मरी के अंदर मुझे जाना है। अरे दीदी ये आर्मरी की चाबी तो नहीं यार बंद है वो तो? अरे रुक जा चाबी देती हूँ ये लो। अच्छा अच्छा ठीक है यार, ये देखो इन्होंने मुझे चाबी भी दे दी। भाई ये पुलिस वाले तो कितने ट्रस्टिंग है यार, किसी ने भी उनको कुछ भी बोल दिया मान लिया। गाइस देखो यहाँ पे इतनी बड़े बड़े हथियार भी पड़े, बंदूकें भी पड़ी है। चलो यार यहाँ पे ऐसे मैं फटाफट से पुलिस की आउटफिट निकाल लेता हूँ। यार देखो गाइस मैंने ये वाली आउटफिट निकाली, इसमें ना मेरा मुंह भी छुप जाता है तो मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा, और कोई पहचानता होगा तो भी पहचाना के कैसे। यहाँ पे देखो यार आर्मर पड़ा है, वो भी उठा लेता। अरे सर जी आपने तो स्वॉट की आउटफिट निकाल ली। अरे हाँ मुझे स्वॉट के मिशन पे जाना है, और तो सुनो मेरे को गाड़ी की चाबी चाहिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए बड़ी वाली। अच्छा सर डोंट वरी, ये लो गाड़ी की चाबी भी ले लो यहाँ पे पीछे से। गाइस ये पुलिस वाले तो कितने ज्यादा बुद्धू है भाई, मैं इनको कुछ भी बोल रहा हूँ ये कर लेता। अरे पर सर जी आप तो बोले थे आपको ग्राइम्स भैया के लिए कपड़े चाहिए। अरे हाँ ये उनको ही चाहिए। गाइस देखो यार यू, अरे रुको तो सर ये कहाँ जा रहे हो? गाइस देखो यार ना वो आंटी को मेरे पे थोड़ा सा शक होने लग गया था, इसके लिए मैं फटाफट से भग के चला जाता हूँ। अब गाइस देखो स्वॉट वाली आउटफिट पहन ली है तो मैं ये नॉर्मल वाली ट्रक तो नहीं लेके जा सकता ना, मुझे ना जल्दी से यार एक यानी यहाँ पे से आर्मर ट्रक निकालनी पड़ेगी। रुको यार मुझे पता है वो कहाँ पे, अंडर सीक्रेट पार्किंग गैराज में होगी वो। जल्दी जल्दी से इसके अंदर जाता हूँ। देखो यार यहाँ पे भी मेरे को चाबी लगानी पड़ेगी, और ये देखो दरवाजा खुल गया यार, यहाँ पे फटाफट से इस ट्रक में बैठ जाता हूँ। ये आदमी को रोको यार, उसने ना पुलिस की आउटफिट चोरी करी है। अरे नहीं नहीं यार वो तो ब्लेन काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट से था। अरे गाइस देखो यार इन लोग को पता तो चल गया था, पर यार मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यार मेरे को तो यहाँ पे पुलिस का मस्त ट्रक मिल गया, इस पे सायरन भी लगे हुए, तो देखो यार मैं रोड पे जहाँ पे भी चला सकता, लोग अपने आप है ना मेरे सामने से हट जाते मेरे को साइड देने के लिए। ये देखो यार मुझे ना कुछ करने की जरूरत नहीं, और जो नहीं हटता मैं उसको उड़ा के चला जाता हूँ। तो चलो गाइस यार अब मैं बचे बहना सारी पावर्स के लिए है ना मैं दद्दू हल के पास बचाने चलता हूँ उनको। गाइस देखो यहाँ पे मैं प्रिजन तक तो पहुंच गया यार, अभी प्रिजन तक पहुंच गया, बस अब मैं दद्दू हल को अंदर से निकाल लूं। ये देखो यार यहाँ पे जाता हूँ। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, तुम यहाँ पे किस काम से आए हो? अरे यार मैं एक प्रिजनर ट्रांसफर के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे जो है ना बड़े वाले दद्दू हल्के उनको मेरे को है ना हल्की जेल में लेके जाना है। अच्छा ठीक है तुम अंदर जा सकते हो। अरे हाँ अंदर जाते तो दरवाजा तो खोलो। अरे हाँ रुको रुको दरवाजा खुल रहा है। अरे दरवाजा खुलने के बदले तो गायब ही हो गया। स्टॉप 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 स्टॉप, यहाँ पे क्यों आए हो आप? अरे यार वो बाहर वाले गार्ड को बता दो सर ही मैं प्रिजनर ट्रांसफर के लिए आया हूँ। तुम्हारे पास पेपर्स है? अरे हाँ हाँ पेपर्स क्यों नहीं अंकल, यार ये देखो यार ये देख लो मेरे पेपर्स यार, मैं अंदर नहीं दे सकता, टॉप सीक्रेट पेपर्स है। अच्छा अच्छा ठीक है मैंने तुम्हारे पेपर्स देख लिए, जाओ। तो गाइस देखो यार यहाँ पे इन्होंने भी मेरे पेपर्स चेक कर लिए, भाई सब जन मेरे पेपर्स चेक करे जा रहे। अरे वहाँ पे कहाँ जा रहे हो, वहाँ से थोड़ी प्रिजनर ट्रांसफर होता है। अरे सॉरी सॉरी यार ये पहली बार मैं ये वाले प्रिजन में आया हूँ यार, मुझे पता नहीं है, क्या तुम कोई चोर उचक्के तो नहीं हो ना? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ, कैसी बातें करते हो। चलो ठीक है गाइस यार यहाँ पे चलते, देखो ये वाला दरवाजा भी अपनी एक ही बार में खुल गया। अब यार गाइस देखो मुझे तो प्रिजन का रास्ता नहीं पता, पर यार मैंने न्यूज में सिर्फ देखा था दद्दू हल्क है कहाँ पे, अब यार उनको यहाँ से बाहर लेके जाना पड़ेगा मुझे, वो भी बिना बबाल के। अगर बिना बबाल के बाहर नहीं लेके आया तो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी, कि ट्रक को मैं किधर पार्क करूँ, और उनको है ना मेरे को लेके जाना पड़ेगा, और उनको ऐसे करके लेके जाना पड़ेगा कि मैं उनको अरेस्ट करके लेके जा रहा हूँ। एक काम करता हूँ ट्रक को है ना यहाँ पे छुपा देता हूँ यार, मुझे कोई भी नहीं देख रहा यहाँ पे, तो सिक्योरिटी भी नहीं, क्योंकि यार पुलिस वालों को लग रहा है कि यहाँ पे कौन ही आएगा। चलो यार फटाफट से चलता, और इधर मैंने स्वॉट की आउटफिट पहन रखी तो ज्यादा मेरे पे कोई शक नहीं करेगा। ओ शिट गाइस यार यहाँ पे तो है ना ये फेंस लगी हुई है, तो मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा अंदर जाने का। यार मुझे तो सीरियस लगा था मेरा प्लान वो काम कर जाएगा। तो गाइस देखो यार बहुत मशक के बाद मैंने है ना ये वाला इंटरनल एरिया ढूंढ लिया प्रिजनर्स का। अब यार यहाँ पे से है ना मेरी बस को मैं यहाँ पे पार्क कर सकता हूँ। अब यहाँ पे पीछे देखो एक सिक्योरिटी गार्ड सीढ़ी से उतर रहा था, वो यहाँ पर आया ना उससे पहले मुझे फटाफट से भागना पड़ेगा। देखो यार अभी तक तो किसी को मेरे पे कोई शक नहीं है। अरे यार यहाँ पे इतने सारे है। वेलकम वेलकम सर, आपको प्रिजनर ट्रांसफर के लिए आया है क्या? अरे हाँ हाँ वो मैं दद्दू हल्को यहाँ से है ना स्पेशल हल्की जेल में लेकर लेने के लिए आया हूँ। अरे डोंट वरी यार मैं आपको है ना उनके बारे में बताता हूँ, वो वहाँ पे पीछे रो रहे हैं। अरे मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे गलत रीजन से यहाँ पे डाला गया है जेल में। अरे ये देखो दद्दू हल्क की आवाज तो आ रही है। अरे ये देखो ये रहे दद्दू हल्क रो रहे। अरे कोई तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी उम्र हो गई है। अरे क्या तुम जालिम आ गए हो मुझे दूसरे हल्क की जेल में लेके जाने के लिए? अरे हाँ हाँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो जल्दी से हल्क की जेल में।
अरे नहीं मुझे नहीं चलना। अरे दद्दू हल्क मैं हूँ फ्रैंकलिन। अरे क्या फ्रैंकलिन तू हो? अरे हाँ धीमे धीमे बोलो किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए। अरे ये क्या हो रहा है ये अंकल क्यों मेरी तरफ आ रहे? अरे ये तो है ना असली पुलिस वाला नहीं है मेरे को पता है जल्दी इसको मारो सब जान। क्या बोल रहा है भाई मैं असली पुलिस वाला ही हूँ पुलिस वाले से ऐसे बात करते तेरी ऐसी तैसी। अरे ठेका माफ कर दो यार भैया मुझे नहीं पता था तुम असली पुलिस वाला हो ये तो सच्ची में पुलिस वाला है कैसे पिटाई कर दी। चलो चलो दद्दू हल्क यार कोई भी तो है ना तुमसे ना कोई क्वेश्चन पूछे तो बोल देना मेरे पीछे। अच्छा बेटा ठीक है चलो चलो प्रिजनर जल्दी से चलो। अरे मुझे हल्क की जेल में नहीं जाना मुझे इंसान की जेल अच्छी लगती है। अरे नहीं 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 तुम्हें हल्क की जेल में तो जाना ही पड़ेगा। अरे नहीं प्लीज मुझे मत लेके जाओ। चलो चलो ठीक है। अरे ये देखो यार दद्दू हल्क है तो हल्क की जेल में लेके जा रहा है वहाँ तो इनकी खूब पिटाई होगी। अरे नहीं मेरी पिटाई मत करवाओ। तो गाइस देखो और अभी तक तो किसी को कोई शक नहीं हुआ मैं फटाफट से ना दद्दू हल्क को यहाँ पे रेस्क्यू करके लेके जा रहा हूँ। अरे मेरी गाड़ी तो कहीं और पार्क करी थी मैं गड़बड़ कर दी। दद्दू हल्क जल्दी से गड्डी में बैठ जा। अरे ये दद्दू हल्क को किधर लेके जा रहे हो? अरे प्रिजनर ट्रांसफर यार मैंने पेपर गेट पे दिखा है। अच्छा अच्छा ठीक है तुम बोलते हो पेपर दिखा दिए तो मान लेते हैं। गाइस ये देखो ये तो सब जने ना कैसे मेरी बात मान लेते यार इतने बड़े हाई सिक्योरिटी प्रोफाइल क्लाइंट को मैं इतनी आसानी से है ना जेल से भगा के लेके जा रहा हूँ। क्या तुम क्या बोलो जेल से भगा के लेके जा रहे हो? अरे नहीं 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 तो ऐसे ही बोल रहा था। ये देखो गाइस वापस से बहुत मशक्कत के बाद मैं यहाँ पे मेन गेट पर आ गया। भाई दरवाजा खोल दो यार जल्दी जल्दी से। अरे यार यहाँ पे फिर से दरवाजे लॉक तो नहीं? नहीं दरवाजे लॉक नहीं है। क्या तुमने प्रिजनर ट्रांसफर कर लिया? अरे हाँ प्रिजनर ट्रांसफर कर लिया ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ। अरे बेटा थैंक यू तूने यार मेरी जान बचा ली। अरे कुछ बात नहीं दद्दू हल्क यार देखो यार मैंने ना देखो तुम्हारी जान तो बचाई पर मेरे थोड़ा सा स्वार्थी रीजन था। अरे बेटा क्या रीजन था बता यार मैं उसको पूरा कर दूंगा। अरे यार ऐसी बात नहीं यार अभी तो मैं तुमको थोड़ी सेफ जगह पे तो लेके जाओ फिर अपने बात करते। अच्छा बेटा ठीक है। तो गाइस देखो यार यहाँ पे मैं दद्दू हल्क के साथ एक थोड़ी सी सेफ लोकेशन पर आ गया। अरे बेटा अब बता यार क्या काम है? अरे रुको यार मुझे पुलिस के कपड़े उतारने दे यार बास मार रही है। हाँ 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 अब सही लग रहा है। अरे बेटा फिर से छड्डी बंडी में आ गया पर बता तो सरी तुझे काम क्या है? अरे यार देखो यार मैं ना मेरे छोटे भाई शिनचैन को सुबह फॉलो कर रहा था वो है ना पता नहीं कोई सीक्रेट साइंटिस्ट के बेस पे गया उसके साथ उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करे और शिनचैन को तो एक नया वाला हल्का सूट मिल गया जो लॉस सैंटोस में है। अरे बेटा मुझे पता है तुझे कौन सा सूट चाहिए तुझे वो वाला सूट चाहिए क्या मेरे राजा बेटा? अरे हाँ हाँ दद्दू हल्क वही सूट चाहिए। अरे कोई बात नहीं ये देख यार मैं अभी दे देता तुझे वो वाला सूट। व्हाट इतना इजीली दे दोगे? अरे हाँ बेटा मेरे को यार इन लोगों ने फंसाया इसके लिए था ना मैं सब लोगों को सूट बांटता फिरता था इसके लिए। अच्छा अच्छा ठीक है समझ गया यार। अच्छा बेटा ये ले तेरा सूट ये ले बेटा। और एक भाई गाइस ये देखो दद्दू हल्क ने तो मुझे ये वाला ग्रीन हल्क का सूट दे दिया यार ये देखो कितना ज्यादा तगड़ा लग रहा है इतना ज्यादा खतरनाक और स्ट्रांग लग रहा हूँ मैं तो। अरे हाँ बेटा ये वाला सूट तो लॉस सैंटोस में नया नया है अभी किसी के पास भी नहीं है सिर्फ और सिर्फ तेरे पास होगा। वाह 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 गाइस देखो यार नया सूट मिल गया तो खुशी तो उसकी बहुत ज्यादा होती है। बेटा पर यार लोग खुश नहीं होगे तूने यार मुझे जेल से छुड़वाया इसके लिए। अरे मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता अब तू मेरी प्रोटेक्शन में हो देखो मैं तुम्हारी जान हमेशा बचा लूंगा। अरे ये फ्रैंकलिन के बच्चे ने दद्दू हल्क को जेल से क्यों छुड़वाया मैंने तो उनको जेल में डलवाया था मेरा धंधा खराब करते है। दद्दू हल्क तुमको जेल में से किसने छुड़वाया? अरे मैंने छुड़वाया। अरे तुम फ्रैंकलिन हो तुमको फ्रैंकलिन को नया वाला सूट मिल गया। अरे दद्दू हल्क भागो ये आ गया। कहीं नहीं भाग पाओगे तुम इधर आओ। अरे बाबा राम मेरे को माफ कर दे मैं तो बुड्ढा हूँ। अरे तुमको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ूंगा फ्रैंकलिन तुझे भी नहीं छोड़ूंगा इधर आ तू। अरे नहीं नहीं गाइस ये देखो यार इसको तो गुस्सा आ गया। देखो यार ये दद्दू हल्क ये वाला सूट सबको फ्री में दे रहे थे और ये सबको 100 मिलियन चार्ज करा था तो इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया ये सूट के लिए। दद्दू हल्क को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा तुम तो इधर आओ ये लो बिल्कुल भी तबाह कर दूंगा तुमको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मेरा बिजनेस खराब कर रहे हो ये लो। अरे नहीं प्लीज दद्दू हल्क को छोड़ दो। अरे तुझे दद्दू हल्क पे बहुत प्यार आ रहा है ये देख उनको खत्म कर दिया मैंने। अरे गाइस देखो और दद्दू हल्क को तो पूरा फिनिश कर दिया सिर्फ खून का थप्पा बचा है। और तू फ्रैंकलिन मेरे साथ चल ये वाला सूट मैं तेरे से निकालूंगा और तुझे मेरा कैदी बना के रखूंगा। अरे नहीं नहीं ऐसे मत करो यार तू मुझे पैसे दे वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे पैसे होते तो पैसे देके अपग्रेड कर देता ना। हाँ तो मेरा बंदी बन के रहेगा तू अब से। अरे नहीं नहीं गाइस ऐसा क्यों कर रहा है ये? गाइस ये देखो यार ये है ना क्रेजी साइंटिस्ट हल्क ने क्या किया भाई मुझे यहाँ पे जेल में डाल दिया मेरा हल्का सूट भी ले लिया है। ये देखो यार मैं यहाँ से बाहर निकलने कोशिश कर रहा हूँ नहीं निकल पा रहा। अरे कभी भी नहीं निकल पाएगा बहुत तेज लोहे की बनाई है वो जालिया। ये देखो यार मेरा हल्का सूट यहाँ पे निकाल के रख दिया और ये बोलता है मुझे फ्री में मिला था इसके लिए मैं ये सूट को डिजर्व नहीं करता। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला था डिजर्व नहीं करता थोड़ा सा भी इसको मैं $100 मिलियन में बेच दूंगा मुझे खरीदने वाला भी मिल गया। अरे यार ये देखो यार ये जो सूट मुझे इतनी मेहनत से मिला था यार ये इसको बेचने की बात कर रहा है मैं यहाँ से बाहर निकलने की कब से कोशिश कर रहा हूँ पर देखो यार मुंह के बल सिर्फ लगती जा रही है। ऑलरेडी यार इसने कल रात को मेरी पिटाई करी थी यार दोपहर में पिटाई करी तो यार वैसे ही मेरे में शक्ति नहीं बची है बिल्कुल भी। पर
पर गाइस मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा, मैं यहाँ से बाहर निकल के रहूंगा। करता रहे जितनी भी मेहनत करनी है, कुछ भी नहीं होगा। अरे यार पता नहीं क्या करूँ, ये देखो यार शायद वो सूट खरीदने वाला भी आ गया। अरे बॉस के लिए सूट लेकर आना यार, बहुत ही ज्यादा देरी हो गई, कॉम्पिटिशन में देरी हो रही है। अरे तुम आ गए सूट लेने? अरे हाँ 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 हम आ गए, मेरे को मेरे बॉस के लिए सूट चाहिए, तुम्हें $100 मिलियन चाहिए ना? अरे हाँ मुझे $100 मिलियन चाहिए। अच्छा अच्छा डोंट वरी यार, ये देखो मैं तुम्हें फटाफट से $100 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। अरे गाइस देखो कितना ज्यादा अमीर है भाई, $100 मिलियन ऐसे दिए। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम ये सूट लेके जा सकते हो। गाइस ये देखो यार, ये तो है ना, ये मेरा वाला सूट लेके जा रहा है $100 मिलियन में। तुम इस सूट का करोगे क्या ये तो मुझे बताओ। अरे मेरे बॉस एक है ना कंपटीशन रख रहे हैं, उसके विजेता को ये वाला सूट देने वाले, और इससे भी खतरनाक सूट देने वाले। हमने बड़ा वाला सूट तो तुमसे पहले ही परचेज कर लिया था ना $1,000 मिलियन में। अरे हाँ तुम बड़ा वाला भी लेके गए थे, तो यार जो भी जीतेगा हम उसको बड़ा और छोटे वाला सूट का कॉम्बो देने वाले हैं। चलो यार ये कैदी को भी हम कभी खरीदने आएंगे। अरे हाँ मुझे अभी खरीद लो। अरे अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है। गाइस ये देखो वो आदमी तो यार मेरा सूट लेके चला गया, और मुझे ना कुछ मिल भी नहीं रहा। पर यार उसने बोला देखो यार वो है ना कॉम्पिटिशन करने वाला, उसमें ये वाला सूट और इससे बड़ा वाला सूट देने वाले। पर यार मैं कॉम्पिटिशन में पार्ट कैसे लेने जाऊँ, मैं तो यहाँ पे फंसा हुआ हूँ और पूरी जिंदगी फंसा हुआ ही रहेगा। इधर चल हट यहाँ से पीछे जा। अरे हाँ हाँ ठीक है मार क्यों रहे हो। तो गाइस ये देखो यार यहाँ पे ये तो यहाँ से चला गया, अभी शाम भी होने वाली यार। मैंने सुना कल सुबह कॉम्पिटिशन था, अगर मैं सुबह तक बाहर नहीं निकला तो चलेगा नहीं। कभी बाहर नहीं निकलेगा। गाइस यार देखो रात हो गई है, वो तो साइंटिस्ट तो यहाँ पे आए नहीं, पता नहीं मुझे कब तक यहाँ पे और बंदी बना के रखेगा। गाइस यार देखो मैं कब से कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ, पर देख रहा हूँ देखो गाइस यार ये एक जो पार्ट है यहाँ पे देखो यार थोड़ा कच्चा है ना गेट लगा हुआ है, बाकी सब जगह इतना मोटे मोटे गेट के बार्स है, और यहाँ आगे की तरफ तो डबल डबल बार लगा रखे। तो अगर यार मुझे बाहर निकलना है तो मुझे यहाँ से ही निकलना पड़ेगा, मैं यहाँ से तो निकल ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर इतने तीखे स्पाइक्स है। पर यार ये वाला जो दरवाजा यार ये भी बहुत ज्यादा कठिन है, मैं इसको भी नहीं तोड़ पा रहा। ये देखो अरे ये क्या हो गया, अरे यार ये तो मैंने ट्राई देखा ही नहीं गाइस। यार वो क्रेजी साइंटिस्ट यहाँ पे खड़ा था तब मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, पर यार मैं पहले ध्यान देता तो मैं शायद पहले ही बच के भाग गया था। यार इसके ऊपर स्पाइक्स नहीं लगी हुई थी, मुझे तो लगता ये वाला दरवाजा और उसको लगा था कि उसने मेरी पिटाई लगा दी, इसके लिए ना मैं यहाँ से बाहर नहीं भाग पाऊंगा। मैं तो यार यहाँ से बाहर भाग ही रहा था। अच्छा है गाइस ये मैं यहाँ पे से कूद के बाहर निकल गया, वरना मैं सोच रहा था यार यहाँ पे देखो यार थोड़ा वेल्डिंग का सामान पड़ा है, मैं यहाँ से मेरा हाथ घुसा के ना इसको लेने का ट्राई करने वाला था और फिर है ना बाहर निकलने की कोशिश करने वाला था। अब गाइस देखो यार मुझे मेरी लाइफ में एक ही गोल है कि यार मुझे है ना एक हल्का सूट चाहिए और वाले कंपटीशन में जाके पार्ट लेना है जिसमें से है ना सारे हल्के सूट मिल रहे। पर गाइस मैं एक इंसान हूँ, अभी तो नहीं जा पाऊंगा, और यार मैं इसके अंदर से खुद को अपग्रेड भी नहीं कर पाऊंगा। क्या लगता है कर पाऊंगा क्या गाइस? रुक जाओ यार एक काम करता हूं, यहां पे फटाफट से थोड़ी सेटिंग्स चेंज करके देखता हूं। हां हां गाइस लगता तो यार मैंने वो रिएक्शन को चालू कर दिया, इस वाले के अंदर फटाफट चेंबर के अंदर जल्दी जल्दी खड़ा होता हूं। और यार अगर मेरे पे यहां पे धुआं आने लग गया तो मैं समझ जाऊंगा कि है ना मेरे को हल्का नया वाला सूट मिलने वाला है। अरे गाइस देखो यार मेरे ऊपर तो वो रिएक्शन चालू हो गया। अब गाइस देखो जो मेरा मीटर है मुझे उसको ना लेवल 2 तक भरने का वेट करना पड़ेगा, मुझे लेवल 3 का यहां ना यहीं से नहीं बनना, मुझे कंपटीशन जीत के बनना है। ये देखो यार मीटर इतनी तेजी से ऊपर जा रहा है। अरे ये क्या हुआ रिएक्शन बंद क्यों हो गया? अरे नहीं नहीं रिएक्शन बंद नहीं हुआ था, वो मैं लेवल 1 तक पहुंच गया था इसके लिए बंद हो गया था। अभी देखो यार कितनी तेजी से होता ही जा रहा है। और गाइस ये देखो ये क्या हो गया यार, मेरे को तो लगता है मेरा मीटर पूरा फुल हो गया। और ये देखो यार मैं कन्वर्ट हो चुका हूं वापस से तगड़े वाले हल्क में। गाइस देखो तो सर यार मेरे में भी वापस से पावर्स आ गई, मुझे लास्ट टाइम तो ये सूट मिला था तब 1 ही सेकंड के मिला था यार, मैं इसकी पावर्स को कुछ भी टेस्ट नहीं कर पाया था। अभी तो देखो मैं वो साइंटिस्ट से भी भाग चुका, और गाइस देखो यार अब बस मेरा एक गोल है, मुझे वो वाले कंपटीशन में जाना है, वहाँ पे जाके पार्ट लेना और उसको जीतना है, जिससे यार वो जायंट वाला है ना ये वाले नए वाले हल्का सूट मिल रहा था। अभी देखो यार मैं इसको वो छोटा वाला सूट तो मेरे पास हो ही गया, तो मुझे सिर्फ बड़ा वाला जायंट सूट चाहिए। चलो मैं जल्दी जल्दी सर वहाँ पे चलता हूँ जहाँ पे ये कॉम्पिटिशन हो रहा है। अरे गाइस देखो यार यहाँ पे है ना मुझे सुबह सुबह पहुंचना था, पर यार ये जगह तो इतनी दूर थी, यहाँ पे है ना दोपहर हो गई 12:30 बज गई है। यहाँ पे देखो मोबाइल में टाइम देखो यार, मुझे तो यहाँ पे कोई दूसरा कंपटीशन वाला दिख भी नहीं रहा, मुझे जल्दी से यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। ये देखो यार यहाँ पे मैं उड़ के गिर के पहुंच तो गया, पर गाइस यार मेरे को तो बोला गया था यहाँ पे कंपटीशन है बहुत सारे हल्क आने वाले। ये देखो यार ये बड़ा वाला जायंट सूट तो यहाँ पे पड़ा है जो कॉम्पिटिशन में जीतने वाले थे। तुम्हें क्या लगता है गाइस यार ये कॉम्पिटिशन कोई भी नहीं जीता क्या? रुको यार मेरे को यहाँ पे किसी को ढूंढने दो। अरे वहाँ पे तो देखो ये वही आदमी जिसने वो सूट खरीदा था। अरे अंकल जी सुनो हल्का कॉम्पिटिशन खत्म हो गया क्या? अरे हाँ लड़के हल्का कंपटीशन तो खत्म हो गया यार, सुबह सुबह था, अभी तो 12 बज गई है, सब जन चले गए, बॉस भी चले गए। अच्छा तो मुझे बात तो बताओ ये जो जायंट हल्का सूट है यार ये इधर क्यों पड़ा अभी तक? अरे ये कंपटीशन को कोई जीत ही नहीं पाया यार, अच्छे कैंडिडेट नहीं आए थे,
सबने छोटा वाला हल्का सूट जीत लिया, तुम्हारी तरह चले गए क्या? तुम भी सुबह ये वाला सूट जीत के गए थे? अरे नहीं नहीं, मेरे पास तो ये सूट पहले से था। अच्छा ऐसी बात है क्या, तो तुम आए क्यों नहीं कॉम्पिटिशन में? अरे वो मैं थोड़ा सा कहीं पे फंस गया था। अच्छा ऐसी बात है क्या, तो क्या तुम अभी ये कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना चाहते हो? मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। क्या तुम मुझे मौका दे सकते हो? अरे हाँ, तुम पहले से एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हल्क लग रहे हो और तुम डिजर्व करते हो एक जायंट स्ट्रॉन्ग हल्क बनने के लिए, इसके लिए मैं तुम्हें मौका दे सकता हूँ। अच्छा अच्छा बताओ मुझे करना क्या यार, कंपटीशन जीतने के लिए बड़ा वाला सूट जीतना है मुझे, छोटा वाला नहीं? अच्छा देखो, अगर तुम्हें बड़ा वाला सूट जीतना है तो मैं यहाँ पे से 3 बाइक और 4 गाड़ियों में से एक व्हीकल सिलेक्ट करना है, उसके बाद ये स्टार्टिंग लाइन से शुरू करना है और ये जो पूरा रैंप चैलेंज है इसके यार पूरा एक चक्कर मार के आना है, वो भी 3 मिनट के अंदर। अब देखो यार, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि रैंप चैलेंज की साइज बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर तुमने एक भी टर्न लेने में गड़बड़ कर दी तो यार तुम्हारे टाइम कम पड़ जाएगा और तुम्हें जायंट वाला सूट नहीं मिलेगा। इसके लिए सब लोगों को छोटा वाला सूट मिला, जायंट वाला सूट कोई भी जीत के नहीं गया। अच्छा ऐसी बात है क्या? अरे हाँ ऐसी बात है, तो जल्दी से अपना व्हीकल सिलेक्ट कर लो। गाइस देखो यहाँ पे 3 बाइक और 4 गाड़ियां है। अब देखो गाड़ियों की ऑब्वियसली थोड़ी स्पीड ज्यादा होती है, पर यार गाड़ियों को टर्न लेने में भी ज्यादा मुश्किल होती है। हाँ, सब जन कॉम्पिटिशन वालों ने है ना गाड़ियों से ही चैलेंज कम्प्लीट किया, करने की कोशिश करी थी मेरा मतलब है। अब गाइस देखो यार, सबने गाड़ियों से करने की कोशिश करी और कोई भी जायंट हल्का सूट नहीं जीता, तो आई थिंक यार मुझे है ना ये वाली बाइक पे जाना चाहिए, बाइक से कोशिश करनी चाहिए। अरे पर ये बाइक थोड़ी स्लो पड़ जाएगी तुम्हारे वजन के नीचे। अरे कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूंगा। ठीक है स्टार्टिंग लाइन तक जाओ, मैं तुम्हें 1 2 3 करूंगा। ठीक है गाइस देखो यार, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग लाइन तक पहुंच गया हूं। यहाँ पे देखो मुझे 1 2 3 बोलेंगे। अच्छा चलो यार, अभी टाइम जैसे ही होगा मैं तुम्हें 3 2 1 गो बोलूंगा, तुम्हें 3 मिनट के अंदर इसको कम्प्लीट करना है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो 3 2 1 गो। अरे गाइस देखो गो कर दिया, मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट मिले ये वाले है ना पूरे रेस को कम्प्लीट करने के लिए। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है, देखो जैसे ये वाला ऑब्स्टेकल है, इसको देखो, और मैंने तो बहुत इजीली डॉज कर लिया क्योंकि मेरे पास बाइक है। और यार यहाँ पे देखो ये दूसरे भी ऑब्स्टेकल आ रहे सारे, अरे मेरी बाइक की सारी स्पीड ही चली गई। अरे हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया, यहाँ पे बहुत सारे बाइक को स्लो करने वाले भी है ना ऑब्स्टेकल्स है, वो बाइक और कार दोनों को स्लो करते, इसके लिए चिंता मत करना, पर स्लो बिल्कुल करेंगे। अच्छा अच्छा गाइस देखो यार, मुझे तो लगता है सब लोगों ने है ना ये देखो गाड़ी ली थी, इसके लिए उनको अवॉइड नहीं कर पाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, तुम तो यार उन स्लो करने वालों के बाजू में से निकल जा रहे हो जिससे तुम्हारी स्पीड को लॉस नहीं हो रहा। अरे हाँ हाँ, यही तो मेरी स्ट्रेटेजी थी, इसके लिए मैंने बाइक ली है। ये देखो यहाँ पे फुल स्पीड में जा रहा हूँ। ओह माय गॉड गाइस, यहाँ पे तो बॉम्ब थे, अच्छा है मैंने राइट टाइम पे बूस्ट मार लिया, तो सारे बॉम्ब के इफेक्ट्स को मैं काउंटर करके आगे चला गया। और यहाँ पे देखो इतने शार्प टर्न ले रहे, अरे बाप रे यार, थोड़ा सा ठुक गया, कोई बात नहीं, मैं अभी भी रेस को रिकवर कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई चांस ही नहीं कि तुम रेस को रिकवर करोगे, देखो सिर्फ 1 मिनट ही बाकी है। अरे हाँ मैं देख रहा हूँ यार, सिर्फ 1 मिनट बाकी है और अभी तो बहुत सारा है ना कोर्स कंप्लीट करना है मुझे। बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, तुम पक्के से हार जाओगे। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, अरे ये क्या यार, देखो गाइस यार वहाँ पे मैं थोड़े सेकंड के लिए फंस गया था, अरे यहाँ पे मेरी बाइक भी स्लो गई। बिल्कुल अब तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तुम अभी गिव अप कर दो, तुम्हारे पास छोटा वाला सूट तो है ही। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। देखो गाइस इतने सारे यहाँ पे पेड़ भी गिरे हुए, कितनी सारी चीजें गाइस, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड जैसे बाकी है। तुम्हें क्या लगता है मैं रेस को कंप्लीट कर पाऊंगा क्या? अरे ये ग्लास को भी तोड़ना पड़ेगा, अरे शायद ये तो तुम चैलेंज कंप्लीट कर दोगे। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं करूंगा, देखो गाइस थोड़े से सेकंड्स बाकी है और ये देखो गाइस मैंने तो चैलेंज कंप्लीट कर दिया। और यार थोड़े ज्यादा सेकंड्स भी नहीं बाकी थे गाइस, 30-40 सेकंड ही बाकी थे। अरे हाँ तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, तुम पहले हल्को जिसने ये सेट को कंप्लीट किया है। क्या मैं पहला ही ऐसा हल्कू? अरे हाँ, इससे पहले कोई भी है ना ये चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाया था। जाओ अपना नया वाला जायंट हल्का सूट लो। गाइस देखो यार, ये फाइनली मेरा सपना पूरा हो गया, जायंट हल्का सूट मिल गया। देखो गाइस फाइनली सारे चैलेंजेस के बाद मुझे भी शिनचैन के साथ जायंट सूट मिल गया। अब यार शिनचैन को तो ये सूट बहुत इजीली मिल गया था, पर मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अरे तुमने मेहनत करी है ना, इसके लिए तुम ये सूट को ज्यादा अप्रिशिएट करोगे। अरे हाँ मुझे भी वैसा ही लगता है गाइस, देखो फाइनल यार मेरी इच्छा पूरी हो गई, ये जो मेरा मीटर था वो पूरा भर चुका और मैं कन्वर्ट हो चुका लॉस सैंटोस के सबसे नए तगड़े वाले जायंट हल्के सूट में। गाइस ये नया वाला हल्क तुम्हें कैसा लगा मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना, अच्छा लगाओ तो गुड लिखना, बुरा लगाओ तो बैड लिखना। पर यार अब तुम्हें बुरा तो क्यों लगाओगे, इतना मस्त या तगड़ा हल्का सूट है। और तो आइए गाइस मैं वीडियो भी यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना, और यार कमेंट सेक्शन में यार मुझे जरूर लिख के बताना कि तुम्हें ये वाला हल्का सूट अच्छा लगा कि नहीं। अच्छा तो लगेगा यार, मुझे पूरा विश्वास है। और ये देखो स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है, ये भी देख लो, ये भी बहुत अच्छा है। चलो मैं मिलूंगा तुम्हें GT5 के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।